नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर वॉइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और नई पुरानी अपडेट्स भी आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों, जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह ने सातवीं बार जीत दर्ज करी है, वो अपने आप में कुंडा में एक रिकॉर्ड है और उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड है। जनता में उनके प्रति विश्वास लगातार बना हुआ है। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह है 2018 की, जब एक्टर संजय दत्त अपनी फिल्म प्रस्थानम की शूटिंग के लिए लखनऊ में थे। लखनऊ में शूटिंग हो रही थी और इस शूटिंग के दौरान संजय दत्त और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि कुंडा के विधायक हैं, उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ कि जो रघुराज प्रताप सिंह के समर्थक हैं, उनके जो साथी हैं और बाकी कई संगठनों के लोग हैं, उनमें रोष व्याप्त हो गया। एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई उस मुलाकात की। उस फोटो में ऐसा कुछ दिखा जिससे सभी लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी बढ़ी और उसके बाद में संजय दत्त के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे और माफ़ी की मांग करने लगे। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये वो फ़ोटो है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जब संजय दत्त और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया साथ में बैठे हैं तो वो पैर पे पैर रखे बैठे अपने, और जिस तरीके से उनकी चप्पल का जो, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जो दिशा है वो रघुराज प्रताप सिंह की तरफ हो रही थी और इस तरीके से पैर करके बैठे थे वो, तो बाहर लोगों में गुस्सा व्याप्त हुआ। और जिस तरीके से लोगों ने गुस्सा किया, वीर अभिमन्यु सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा था कि चाहे उनसे ये गलती अनजाने में हुई हो, लेकिन जो गलती हुई है वो बहुत बड़ी है और उन्हें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के साथ बैठने पर अपने संयम का ध्यान देना चाहिए था, संयमित तरीके से उन्हें पेश आना चाहिए था, इस तरीके से बैठना गलत था। तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। ये बात जब संजय दत्त कैंप को पता लगी तो उन लोगों ने माफ़ी मांगी इस पर, और माफ़ी मांगने के बाद में ये मामला रफा दफा हुआ। काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था इस पर कि रघुराज प्रताप सिंह, जो एक इतने बड़े नेता हैं, उनके सामने इस तरीके से बैठना, अपनी जो बैठने की जो संयमित तरीका होता है उसको न लेकर ये सारा विवाद हुआ था। और समर्थक काफ़ी नाराज हुए थे कि गलती चाहे अनजाने में हुई हो, ये गलती हुई है, और संजय दत्त कैंप को जब इस बारे में पता लगा तो माफ़ी मांग कर ये मामला भी ख़त्म हुआ उस वक्त। तो ये उस वक्त बहुत बड़ी बात हो गई थी 2018 में और काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुए थे। उसके बाद में ये सारा मैटर, जैसे मैंने आपको बताया, माफ़ी के बाद में ये मैटर सारा सॉल्व हो गया। कई समाचार पत्रों, इंटरनेट पर ये सारी जानकारियाँ मौजूद हैं। हमें वहीं से इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त हुई है कि किस तरीके से ये विवाद हुआ और किस तरीके से बाद में ये विवाद ख़त्म हुआ। बाकी के लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए लगातार जयपुर वॉइस के साथ जुड़े रहें।